नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के तेतुलिया में मेयर सेवा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने किए कंबल वितरण। मेयर सेवा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा तेतुलिया मोड़ समीप निसर्ग क्षेत्र के जरूरतमंद असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने जरूरतमंदों के बीच 110 कंबल का वितरण किया। उन्होंने उक्त मौके पर कहा कि मेयर सेवा वेलफेयर फाउंडेशन एक अच्छी सोच के साथ काम करना शुरू किया है। फाउंडेशन के उद्देश्य है कि वृद्ध आश्रम का निर्माण, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आवासीय विद्यालय सभी कम कीमत पर निशा के लोगों को उपलब्ध कराया जाए। गरीब असहाय वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम के माध्यम से उनकी देखरेख की जाए। ये सारी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। ये निशा ही नहीं बल्कि पूरे धनबाद में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। सर, आज का प्रोग्राम क्या है? यहाँ मेयर सेवा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा 110 कंबल के वितरण यहाँ लोग के बाद एवं आस पास के ग्रामीणों को किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो प्लानिंग है इन लोगों की, यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक स्कूल एवं एक वृद्धाश्रम के निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें बहुत ही कम खर्चे में लोग स्कूल में CBSE बोर्ड की स्कूल होगी उसे पढ़ा सकेंगे। और इसके साथ जो ये वृद्धाश्रम होगी, इनकी इच्छा है, ट्रस्ट मेंबर्स की इच्छा है, जो इसमें फ्री में हम लोग ऐसे गरीब वृद्धाओं को रखेंगे जिनके घर में कोई भी देख रेख करने के लिए नहीं। तो हम लोग आशा करते हैं जो वेलफेयर फाउंडेशन, जो मेयर सेवा वेलफेयर फाउंडेशन है, इनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं ये निरसा क्षेत्र के लिए और धनबाद जिला के लिए हम समझते हैं एक मिसाल बनेगी। यहाँ एक हॉस्पिटल जो सबसे जरूरी है, एक स्कूल जो हम समझते हैं जो 5000 रुपया में पूरी साल भर लोग किताब सहित पढ़ा सकेंगे, वैसे स्कूल एवं आश्रम, वृद्धाश्रम जो निरसा क्षेत्र में कहीं भी नहीं है, हम समझते हैं तीनों खुलने से इस इलाके में बहुत ही फायदा होगा।